हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विनोद फ्रॉम भाइयों का चैनल तनवर टेक्निकल म्यूजिक। सो आज का वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा बैग जिसमें आप डबल पैड रह सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको साफ शब्दों में बताऊँ तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ट्रॉली बैग जो दो वेरियंट में मेरे पास है, मतलब कि 20 के साथ जो भी सीरीज है 20 की कि जैसे दिखने वाले जितने पैड्स हैं, लाइक 20 हो गया, 20X हो गया, SPD 11 हो गया और SPD 8 हो गया, ठीक है, ये सारी सीरीज और साथ में SX भी एक बैग में रख सकते हैं। दूसरा जो वेरिएंट है इसका थोड़ा सा साइज में बड़ा है, वो उसके अंदर आप SPD 30, डबल 30, 30 के साथ में 20, 20X और SX ये सब रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बैग्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इनका एक छोटा सा लुक, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दोनों बैग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है, साइज का डिफरेंस है मेनली। तो दोनों बैग अवेलेबल हैं, आप दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं लेने के लिए। चलिए मैं आपको एक बार इनके फीचर्स दिखा देता हूँ, कोई भी एक बैग दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि आप इसे क्यों लें एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन पार्ट की, जिस पर आप अपना एक्सटेंशन बोर्ड या केबल्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट को ये प्रॉब्लम आती थी नॉर्मली, इवन मुझे भी जब हम शो में या फिर प्रोग्राम्स में जाते थे तो उस टाइम पे लाइक हमें डबल पैड लगाना है, तो डबल पैड के टाइम पे हमें क्या होता है कि हम दो बैग लेके चलते साथ में, तब कि आपको पता है कि उस टाइम पे हमारे हाथ दोनों गिर जाते हैं, और आप अगर आपको स्टैंड भी पकड़ना है वैसे तो स्टैंड आप पकड़ने के लिए आपके हाथ फ्री नहीं होते, है ना। तो देखिए अभी मेरा हाथ ये एक्सटेंशन स्पेस, देखिए आप बाजू तक मेरा हाथ अंदर जा चुका है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, और ऐसे नहीं मेरे हाथ को फोल्ड किया हुआ है, आप देख लीजिए बिल्कुल मेरा हाथ तक यहाँ पे बिल्कुल ही है, ठीक है, तो इतना स्पेस है, ठीक है, और इतना चौड़ा है। ये तो एक्सटेंशन पार्ट है, आप एक्सटेंशन बोर्ड और अपने केबल्स वगैरह रख सकते हो, वॉल्यूम पैड रख सकते हो आराम से, बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ नोट्स रखने हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चैन लगाया हुआ है एक, और इसके ऊपर एक यहाँ पे चैन लगाया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बैक साइड में अगर आपको दिखाऊं तो बैक साइड में है इसका व्हील को यूज करना है अगर आपको, तो आप यहाँ से इसमें बटन है एक, इसको प्रेस करेंगे ऐसे उठाएंगे सीधा ऐसे, ठीक है, और नीचे इसमें दिखाता हूँ यहाँ पर व्हील है ये, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो इजीली, बहुत इजी है कैरी करने में, ठीक है। और अगर आपको कंधे पर टाँकना है, ठीक है, सपोज अगर आपको बाइक पे ले चलना है तो आप कंधे पर टाँक सकते हैं, इसमें पिट्ठू भी डाला हुआ है हमने, और इसमें यहाँ पे एक बेल्ट भी है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली से यूज कर सकते हो, वापस इसमें अंदर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हुआ हमारा मतलब आउटर लुक, आप देखते हैं इसका इनर लुक। इनर लुक में जैसे कि अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखिए स्पेशली स्टिक्स को रखने के लिए आपके पास एक यहाँ पे एक स्पेस है बिल्कुल अलग से, जिसको आप यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के साथ साथ कौन कौन से पैड इसमें रख सकते हो ये सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, फोटो से थ्रो। तो ये है इसके अंदर का स्पेस, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसमें हमने सनील का कपड़ा यूज़ किया हुआ है ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छा लगे। इसमें हमने अंदर एक बेल्ट और रखी है ताकि अगर आपका पैड हिलता है तो इसको आप अच्छे से बैल्ट के साथ जोड़ पाए, ठीक है। तो ये हुआ, दोनों ही पैड बिल्कुल, दोनों ही बैग जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों ही बैग में बस केवल साइज का फर्क है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका मतलब बैग फुल हो जाता है आपके सामान से, आपने सपोज इसमें कुछ कपड़े भी डाल दिए, आप भागवत कथा में कहीं दूर जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, आपने सपोज इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट डाल लिए और आपने इसमें कुछ कपड़े भी डाले हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस इसमें डाला हुआ है, जिसको आप इस चैन के माध्यम से खोलेंगे, ठीक है, ये चैन आपने ओपन किया है इसे और ये लास्ट तक खुलता है, यहाँ तक खुले रहिए, ठीक है, ये खुल गया। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, देखिए ये स्पेस ओपन हो चुका है अभी, ठीक है, अभी आप इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हैं बिल्कुल, तो इतना स्पेस अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो अगर आप इसे यूज करेंगे अभी तो देखिए कितना उठ चुका है अभी, है ना। तो ये आप एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें हमने डाला हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कैसे भी।
अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, ठीक है, कि इसका प्राइस हमने क्या लिखा हुआ है अभी के लिए। बेसिकली ये दो हैं और दोनों ही बिल्कुल सेम दिखते हैं, ठीक है, बस फर्क है एक 30 पैड के लिए है और एक है 20 की सीरीज के लिए। तो प्राइस जो अभी है इसका जुलाई में, जुलाई के एंड ऑफ मंथ मतलब की बात कर रहा हूँ मैं, एंड जुलाई के एंड की बात कर रहा हूँ, अभी के लिए जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्राइस है अभी के लिए, बाकी इन फ्यूचर हो सकता है थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए। और ये जो प्राइस है ये विदाउट कोरियर चार्जेस है, मतलब इसमें कोरियर चार्ज ऐड नहीं किए हैं। कोरियर चार्ज इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट में अलग पिन कोड है और पिन कोड के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना लगेगा, ठीक है। तो वकी आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये बैग आपके घर पे 4 से 5 दिन में पहुँच जाएगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जो भी ज़रूरतमंद है इस बैग को, जिसकी ज़रूरत है एक्चुअल में, आप उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।